आप दोनों को मना लिया ताकि आप एक ताकि आपको सही पिक्चर मालूम हो सके। हो सकता है कि जी बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपकी भी तस्वीरें हैं, क्या कहना है? देखिए मैं तो एकदम न्यूली अपॉइंटेड प्रिंसिपल हूँ और मैं भी आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ और आप ही से मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। दिखाइए ज़रा मैम, क्या कोई लेडी चलता हुआ दिखाइएगा, क्या कोई लेडी जिसके साथ ऑफिस में अश्लील हरकत हुई हो, क्या वो ऐसे प्रार्थना में बैठेगी सबके बीच में जिनके ऊपर उसने आरोप लगाया कि उन्होंने अश्लील हरकत करी, कपड़े फाड़े? आपको कहाँ से इसमें दिख रहा है कि कपड़े फटे हुए हैं या कुछ लग रहा है आपको कि अश्लील हरकत हुई है? क्या आपने इस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया? देखिए जिस तरीके से ताला तोड़ कर आप लोग अंदर घुसी है, वकील साहब भी दिख रहे हैं इसमें, महिला जो प्रिंसिपल सर देखिए हम ये नहीं तो जबरदस्ती कुर्सी को घेरा जा रहा है, ये सारी वीडियो है और लेकिन एक चीज़ ये भी तो देखने की है कि जो उन्होंने किया बहुत गलत किया, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था कि चेयरमैन आए हैं जो मसीह समाज के, क्रिश्चियन समाज के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उनको इज्जत ना देकर जिनके अंडर में आप काम कर रहे हो, आपने उनके लिए ताला बंद करके अंदर से वीडियो भी बना रही हैं, चिल्ला रही हैं कि डोंट टच मी डोंट टच मी, इसका क्या मतलब है? क्या चीज़ वो दर्शाना चाहती थी, इसके पीछे क्या चीज़ थी, ये भी तो सोचिए। आपका क्या कहना है कि प्लान पूरा ये प्री प्लान था उनका, उन्हें मालूम था क्योंकि वो कई महीने पहले उनको टर्मिनेट कर दिया गया था और ये उनका प्री प्लान था। आप क्या चाहते हैं? अभी आपने कहा कि आपके जो मॉरिस जॉन्स आप पहुँचे थे वहाँ पर, तो आपके वो मसीह समाज के वो हैं, तो जब वो पहुँचे वहाँ पर तो उनके सामने जिस तरीके से उस महिला के साथ किया जा रहा है, तब उस समय आपको ये नहीं दिख रहा था उस महिला के साथ कुछ? आपने देखा क्या उसके कपड़े फट रहे थे? कपड़े की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुर्सी से उनको खेला जा रहा है, एक वकील साहब है जब प्रशासन को पूरी तौर पर पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि इनको हटाना है, लेकिन पहले ये था कि इंस्टॉलेशन सर्विस जो होगी बाहर होगी, लेकिन उनके जो देवर थे अलेक्जेंडर मसीह, उन्होंने ताला लगा के और वो अंदर बंद हो गए और फिर उसके बाद उन्हें क्या बताया गया, क्या हुआ, उनकी क्या साजिश थी हमें नहीं मालूम। हाँ, स्कूल पे पूरा कब्जा करने की उनकी साजिश थी और वो किसी तरह के अकाउंट का हिसाब नहीं दे रही थी। नहीं सर, वीडियो में है सर, वीडियो में इंस्पेक्टर सर है। महिला पुलिस को इन्फॉर्म करके आप बाहर करवा देते उसको, जो महिला कोई सर महिला में मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद थी और हमारी बहुत सारी टीचर्स थे वहाँ मौजूद थे, जहाँ आपको वीडियो में एक पक्ष दिख रहा है, ठीक है। अब क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से अब यहाँ पे सैलरी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि गमन हुआ है, किस तरह के गमन हुआ है, किस तरह की समस्या सामने आ रही है? सर देखिए, अभी तो आपने टीचर्स के बारे में सुना, इन लोगों ने खुद ही बताया कि इनको सैलरी नहीं मिली, सबसे बड़ी तो बात यह है, जबकि फीस आ रही है और आप कैश ले जा रहे हो, अपने घर ले जा रहे हो, क्या हम अपने स्कूल की प्रॉपर्टी को घर में रख सकते हैं या दूसरों का जो हक है वो हम लोग अपने पास तो नहीं रख सकते, वो तो हमें देना ही है। और आपका पीएफ, हाँ पीएफ नहीं दिया गया, जमा नहीं हुआ, जब पीएफ नहीं मिला टीचर्स को 2 साल से, और जो कि एक महसूस की एक दंडनीय अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है कि हम किसी का हक मारे, जो 2 साल से टीचर काम कर रहा है या 20 साल से काम कर रहा है और आप उनका ईपीएफ रोक दीजिए, वो पैसा कहाँ गया? तो ये सारी चीज़ें 2.5 करोड़ का गबन हुआ है, ये तो जांच होगी। आप अपना नाम? मेरा नाम मिसेस शर्ली मसीह है और मैं अभी अपॉइंटेड हूँ यहाँ एज ए प्रिंसिपल ऑफ बिशप जॉनसन गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज। सर मैं इसी का जवाब दे रही हूँ कि काला कोट वाले जो थे ये उन्हीं के साजिश का एक हिस्सा है, आपने शायद इन लोगों आपने इस चीज पर विचार नहीं करा, मतलब आपके साथ एक काला कोट वाले नहीं? जी बिल्कुल नहीं, ये उन्हीं के ये वो खुद प्रायोजित करके खुद ताला अंदर से बंद की, खुद तोड़वाई, सर ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है ताकि हमारे स्कूल की बदनामी हो और हम लोगों पर गलत आरोप लगाए। सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। एक चीज और आपको अवगत कराना चाहूंगा सर,
एक FIR भी लाज हुई है, पारुल मैडम पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ गई थी और उन्होंने एक FIR लाज करवाई है कि हमारे कपड़े पाए गए, हमारे साथ बदतमीजी किया गया, हमारा मोबाइल फोन भी छीना गया। जबकि स्कूल से निकलते टाइम वो स्माइली फेस के साथ गई है, उनके हाथ में उनका मोबाइल था और उनके सारे कपड़े भी एकदम अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड थी वो, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो निश्चित तौर पे कुछ उदास होकर या चेहरे पे कुछ कहीं चोट चपेट के निशान होते, उनका मोबाइल उनके हाथ में ना होता। ये सारे वीडियो हैं और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और कर्नल वेन थाने की पुलिस भी वहाँ पे उस समय थी, इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ पे, बट वो अंदर नहीं जा रहे थे। हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग दूसरे पक्ष को भी सुने। केवल एक शिकायत पे यहाँ पूरा स्कूल, पूरे स्कूल के टीचर्स के सिग्नेचर के साथ सब कुछ दिया जा रहा है, वीडियो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिसमें जब से फर्जी नियुक्ति किया जा रहा है और जब से हम लोगों की संतर्कता नहीं दी जा रही, बैंक खाते पैसा नहीं भेजा जा रहा है, सैलरी जो है कैश मिली जा रही है और एसटीएफ पेपर लीक प्रकरण में जो नाम आया है, पूरे प्रदेश में किरकिरी हो गई बिशप जॉनसन स्कूल की, इन सबको देखते हुए हमारे चेयरमैन सर ने उनको बर्खास्त किया। अरे प्रिंसिपल तो नाम ही नहीं था लीक मामले में। सर ये वार्षिक चल रही है, रोज न्यूज पेपर में आ रहा है, उनको बयान के लिए बुलाया जा रहा है, वो हाजिर नहीं हो रही। सर अगर प्रिंसिपल ना चाहे तो कोई उसके उसमें एंटर नहीं हो सकता। पेपर लीक जो हुआ है इसमें प्रिंसिपल की साजिश से ही हुआ था सर। सर जिम्मेदार वो स्वयं, लेकिन ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, मानवता के नाते। लेकिन अगर वो ऐसी स्थितियाँ न क्रिएट करती, न उत्पन्न करती तो आज ये दिन ना दिखना पड़ता। 3 महीने पहले से इंटरनेशनल लेटर दिया गया है, 4 बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है, आप बाहर से ताला लगा दे रहे हैं और सारे स्कूल के प्रिंसिपल सारे टीचर्स को आप बदनाम कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, अगर सर एक सेकंड में बोलूं, अगर हमको ये पता होता कि वो अंदर बैठी हुई है तो हम ताला तोड़ते ही नहीं। उनके देवर को बुलाया गया, जो ऑफिस स्टाफ जो उनके बाहर ड्यूटी करता है उनको बुलाया गया, दरवाजा तो खोलो। देवर को उनके अलेक्जेंडर को मैं लेकर के आई हूँ। मैंने बोला अलेक्जेंडर सर चलिए, अगर मैम नहीं दिया आप दरवाजा खोल के चेयरमैन को अधिकारी आएगा बैठाओ सर, जब चाबी आपके पास है तो आप बैठाओ ना। वो तो पहले ही साजिश करके अंदर बैठ गए, चलो ठीक है आप खोल के बात तो करते हैं एटलीस्ट। पूरे प्रिंसिपल जितने आए थे सब आप भी अधिकारी थे, हम क्यों होने देंगे उनके साथ, बताइए हम भी तो लेडीज हैं, हम इतना बुरा क्यों होने देंगे कि अश्लील लगता है उनके साथ ना। कौन बर्दाश्त करेगा सर? ठीक है विक्टिम कार्ड खेला गया है, सोची साथ ऐसा नहीं साजिश है, किसी को नहीं पता था कि अंदर मौजूद है, नहीं तो उनका इंतजार किया जाता, उनका अनुरोध किया जाता। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि शीशा टूट रहा है, वो कौन से काले रंग का शीशा था सर, उसके ऊपर जो मैट ताला इसलिए तोड़ा गया कि चाबी चली आप नहीं देना चाहते तो भाई हम लॉक करेंगे तो हमारा प्रोसीजर है, हम उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब कोई दरवाजे से अंदर आया, जैसे कि हम आए, मैं आई सबसे पहले, तो आप लोग चिल्लाना ये स्टार्ट नहीं किए, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। उस टाइम कोई टच सर ये क्या है, आप मुझे जवाब दीजिए, ये क्या उत्तर है? डोंट टच मी, आप कैसे सपना देख सकते हैं कि कोई मुझे टच करने आ रहा है सर? उस टाइम तो कोई टच नहीं, जब सर कोई टच करने नहीं आ रहा है सर, मैं भी एक औरत हूँ, मैं वहाँ मौजूद थी, मैं कभी नहीं कर सकती, मेरा सारा पैसा ले जाए। अच्छा पेपर लीक में तो पुलिस को जल्दी से फोन को बनाया गया तो वापस उनकी नियुक्ति मोदी साहब ने किया था, सर ये हमारे स्कूल के कर्मचारी ही नहीं थे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये अर्पित विनीत जसवंत कभी भी हमारे स्कूल के कर्मचारी थे ही नहीं, ना ऑफिस स्टाफ और ना ही उनके किसी रजिस्टर पे सिग्नेचर नहीं है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।